तो स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से न्यू तड़कते भड़कते वीडियो में और न्यू तड़कते भड़कते एपिसोड में। ये चल रही है हमारी सीजन 25 की सोलो की रैंक पुशिंग की तड़कती भड़कती सीरीज। अरे बस कर भाई। और इस वाले वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ लास्ट जोन के इंटेंस फाइट और खतरनाक वाली सिचुएशन, जिन्हें देख कर भाई लिटरली तुम्हारा दिमाग भी हिल जाने वाला है। और अभी जो है भाई तुम्हारे भाई की रैंक चल रही है मास्टर पर 2 स्टार की, और जल्द से जल्द मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि 3 स्टार भी कंप्लीट करूँ। यहाँ पर भाई एक बार तुम केडी पर नजर डालो भाई, मैं जल्द से जल्द 7 की केडी भी कंप्लीट करूंगा और इस सीजन में पूरा भाई पुशिंग करने वाला हूँ, तो लिटरली बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है। और जल्दी भाई मैं फुल मैप गेम प्ले भी लाता रहूंगा ताकि यार आप भी थोड़ा बहुत सीख सको किस तरीके से पुश करते हैं। और भैया अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से कर देना, बस आपसे मैं यही चीज मांगता हूँ, तो प्लीज कर देना। इस गेम प्ले की बात करें यहाँ पर तो मेरे 7 किल हो चुके थे, 10 बंदे अभी भी जिंदा थे। सामने हमारे मोटरा वाले भैया कति जहर तूफान की स्पीड से आ रहे थे, तो भाई मुझे लग रहा था ये उतरेगा और मुझे मारेगा, बट यहाँ पर ये बिना रुके ही आगे जा रहा था। और यहाँ पर भाई मेरे पास लॉन्चर था तो मैं भाई UMP से स्प्रे करने लगा और अच्छा खासा डैमेज उसको मैंने यहाँ पर कर दिया। भाई ये जो है ना सीधे ड्रॉप के पास उतरने वाला है, तो हम फटाफट से चलते हैं ड्रॉप के पास और भाई देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यार जैसे मैंने सोचा था यही पर, और भाई मैं फर्स्ट लॉन्चर मेरा मार रहा हूँ। वैसे तो मैं लॉन्चर बहुत कम चलाता हूँ, बट भाई मेरे पास ब्लू जोन उतरा था, मेरे पास एमओ थी तो मैंने इसको उठा लिया। अब यहाँ पर भाई 2 लॉन्चर तो वेस्ट आते हैं, और भाई पता नहीं ना ये बंदा कब सामने पेड़ की तरफ आ जाता है और ये एकदम से भाई ड्रॉप पे निकल जाता है। मतलब इसकी पोजीशन कतई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और क्या ही तो ये भाई भाग रहा था, और तुम्हारे भाई ने प्रोटेक्शन शॉट मार के इसको फिनिश कर दिया। अभी सामने की तरफ देखो एक बंदा वुकोंग से, मतलब कतई चालाक बन रहा है भाई, उसको लग रहा है मुझे दिखता ही नहीं है मैं अंधा हूँ। बट भाई तुम्हारे भाई का भी लॉन्चर देखो बाकी है, तो मैं यार सोच रहा था लॉन्चर जाऊँ पर फेंकूँ, बट यार एमओ वेस्ट के कारण मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर देखो उसके पास कितना तगड़ा वाला लूट था, बट भैया खुले में जा रहे थे, दौड़ रहे थे और हमने इजी पीजी लॉन्चर से मार दिया। अभी मैं सोच रहा था ग्रोजा उठा लूँ, बट भाई यार यहाँ पर मैं नहीं वापस से लॉन्चर ले लेता। भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग जो है लॉन्चर चलाते हो या नहीं भाई सोलो के अंदर। भाई यार यहाँ पर मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ और उन्हें हार्ट भी देता हूँ, और जो कमेंट रिप्लाई लाइक होता है मैं उसे रिप्लाई भी जरूर से जरूर करता। यहाँ पर भाई यार मैं जोन की तरफ बढ़ने लगा और लिटरली लूटने के चक्कर में यार मैं जोन से पीछे बहुत ज्यादा हो गया हूँ। और अभी यार एक बंदा और है जो कि भाई हमारे लेफ्ट साइड में था, उसे भी हमें मारना है, तो हम पहले फटाफट से जोन में जाएंगे। और मैं बंदे को देख ही रहा था कहाँ पर तो है कहाँ पर तो है, और लास्ट में मुझे बंदा दिख जाता है ऊपर की तरफ होता है मोबाइल टावर के पास, तो हमें भाई गाड़ी मिल चुकी है। गाड़ी से फटाफट से जोन के अंदर जाएंगे, उस बंदे को जल्द से जल्द फिनिश करने का ट्राई करने वाले। यहाँ पर यार 8 बंदे अभी भी जिंदा है मुझे मिला के, तो यार यहाँ पर बंदे बहुत अच्छे आते हैं खासकर जब बरमूडा मैप आता है। अब यहाँ पर आप देखो मोबाइल टावर के पीछे बंदा है, बट अभी भी वो जोन के पीछे नहीं है, जोन के अंदर नहीं है मतलब। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लॉन्चर मारता हूँ उसे डैमेज नहीं आता है, और भाई जब भी लॉन्चर मारता हूँ एकदम खड़े होकर मारता हूँ, बिकॉज यार मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत मूव करूँ और लॉन्चर इधर उधर चला जाए। तो यहाँ पर अगला मारता हूँ और भाई लिटरली वॉल लगा लेता है भाई बंदा, और आ लास्ट में जाके एलिमिनेट हो जाता है। और अभी तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या मालूम क्या तो सूझ रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि गन उठा लूँ और लॉन्चर में, बिकॉज यार यहाँ पर 2 ही एमओ है तो यार गन जरूर से जरूर मुझे उठाना चाहिए। तो भाई फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने सोचा चलो अब यहाँ पर हम गन लेने जाते हैं, और भाई तुम्हारा भाई सबसे बड़ा वाला रिस्क ले रहा है, और अब मैं जोन के अंदर जाऊंगा और जोन के अंदर जाके गन लेके वापस जोन के बाहर आने वाला। आप यार ऐसा रिस्क कभी मत लेना, मैं आपको कॉशन कर दे रहा हूँ, बिकॉज यार ये ना मेरे मतलब कि भाई किल के चक्कर में मुझे किल लेना बहुत ज्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ गन ले लेता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा किल ले सकूँ। और तो यहाँ पर मैं वर्ड पेकर उठा लेता हूँ और यहाँ पर इसमें साइलेंसर मिल चुका है, और अभी भाई जोन देखो कितना गंदा वाला डैमेज कर रहा है, और अब बस मैं यहाँ पर मेडी मारूंगा। एक टाइम के लिए मुझे लग रहा था कि भाई मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, बट भाई फाइनली मैं यहाँ पर कंटिन्यूस मेडी मारने के चक्कर में यहाँ पर मैं बच गया हूँ। और अभी भाई यहाँ पर 5 बंदे बचे हैं मेरे को छोड़ के, तो यार वीडियो को पूरा देखते रहो भाई, बहुत ज़्यादा ये भी मज़ा आने वाला है लास्ट की जोन में। और अब देखो ऊपर की तरफ भाई फाइट चल रही है, तो मैं पहले यहाँ पर गाड़ी को रोकता हूँ और जो जोन से बंदे आ रहे हैं उनको फिनिश करता हूँ, बिकॉज उन्हें मारना ईजी रहता है, वो या तो जोन से डैमेज रहेंगे या तो फाइट करके डैमेज रहते हैं। तो भाई ऊपर की तरफ एक मुझे बंदा दिख जाता है, लिटरली उसको एक गोली में मारता हूँ और वो फिनिश हो जाता है, और उसी से जो बंदा फाइट कर रहा था वो एलिमिनेट हो जाता है। और अभी यार 2 बंदे और बचे हैं,
तो लेट्स सी क्या होता है, दोनों को मार सकते हैं कितना। तो एक और दिख जाता है जिसको मैं लिटरली भाई बॉडी बॉडी मार मार के उसका तंबू बना देता हूँ। अब बचा एक बंदा और तुम्हारे भाई के 10 किल हो चुके हैं। भाई किल ना मेरे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं जिससे मेरी केडी कतई लैक्स लेवल बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर मुझे एक बंदा और दिख जाता है जो कि आखिरी वाला बंदा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 23 ग्लू वॉल होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे पास होती तो मैं रश करने लगता हूँ उसके ऊपर। भाई यार कमेंट में बताना आपको लॉन्ग वीडियो ज़्यादा पसंद है कि शॉर्ट वीडियो पसंद। और एक चीज़ और बता देना कि भाई आपको 3 गेम प्ले चाहिए, 4 गेम प्ले या फिर नॉर्मल जैसे मैं 2 गेम प्ले रख रहा हूँ वैसे ही आपको 1 एपिसोड में चाहिए। बस आप कमेंट में बता देना यार, मैं उतने गेम प्ले डाल दूंगा। अब ये बंदा मुझे मारने का फुल ट्राई कर रहा था बट लास्ट में तुम्हारे भाई ने इसको इजी पीजी किल कर दिया है। भाई 1v1 की फाइट में मैं बहुत कम मारा जाता हूँ, लिटरली हर बार मैं इजी पीजी बुइया ले लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला गेम बुइया हो चुका है। और वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से करना। ये मेरे मास्टर का 1st स्टार का गेम प्ले था बट अभी तो हम 2 स्टार के आगे की पुशिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट गेम प्ले, इसमें 5 किल हो चुके थे, 4 बंदे और बच रहे थे और सामने मुझे टावर की तरफ एक बंदा दिखता है जिसका मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कब ये भाई मुझे एम दे और मैं इसका हेड ले सकूं। और मारते मारते मैं एक चीज़ भी ध्यान रख रहा था कि पीछे से कोई बंदा ना आए बिकॉज मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। इस समय मेरे पास ग्लूवल 20 थी भाई, 20 ग्लूवल भाई समझ रहे हो, कस्टम जैसा गेम प्ले खेल सकता हूँ। यहाँ पर एक बंदा आता है जिसको मैं लिटरली एक हेड मार के सीधा फिनिश कर देता हूँ। और भाई गाड़ी से आ रहा था, उसके पास मीशा कैरेक्टर नहीं था, मीशा कैरेक्टर होता तो शायद उसके बचने के चांसेस। लास्ट जोन की फाइट में भाई मैं हमेशा ध्यान से चेक करते रहता हूँ, हर तरफ ऐसी जगह भी चेक करते रहता हूँ जहाँ पर बंदे आने के चांसेस ना के बराबर हो, फिर भी भाई चेक करते रहो, इससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी और आपके थर्ड पार्टी होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अब यहाँ पर मैं पीछे की तरफ फिर से जा रहा हूँ बिकॉज मुझे क्या मालूम क्यों लगता रहता है कि भाई कहीं ना कहीं बंदा है। तो अभी मुझे देखो जोन पर भी जाना है और अभी 2 बंदे और जिंदा है, टावर वाला बंदा भी अभी जिंदा है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक फाइट होने वाली है। कमेंट में बताओ आपको मेरे गेम प्ले। गाइस यार एक मेन टिप आपको बताऊं तो यहाँ पर जब भी आपके मैप में ना 2 से 3 बंदे जिंदा रहे, 4 बंदे जिंदा रहे तो उनको आपस में फाइट करने दो, आप उतनी देर में या तो जोन के अंदर जाओ या जोन के अंदर जाके अच्छा परमानेंट कवर ढूंढो। इससे होगा क्या कि आप जल्दी से भाई टॉप 2 में आ जाओगे और फिर लास्ट बंदे से आप अच्छे से फाइट कर सकते हो। इससे आपको टेंशन भी नहीं रहेगा कि यार कोई तीसरा बंदा मुझे ना मार दे। तो अभी टावर वाले को देख ही रहा था, उतने में एक दूसरा बंदा आ जाता है। ये टावर वाला तो नहीं होता है बट भाई टावर वाले ने इसको उसको मार दिया है, बहुत तगड़ा वाला मेरा किल चोरी किया है। मैं इतना अच्छा स्प्रे किया एके से बट उसने मेरा किल चोरी कर लिया। और लास्ट वाला बंदा देखो भाई टावर पे ही बैठा हुआ है और जोन तो है नहीं, खैर जोन के अंदर वो आएगा इजी। और गाइस ये वाला गेम भी हमारा बहुत जल्द से जल्द भैया होने वाला है। और यहाँ पर मैं हल्का सा स्प्रे करता हूँ बट गाइस मेरे एके में ना 2 लेवल का ग्रिप होता है जिसके कारण यार हल्का सा रिकॉइल कर जाता है। अगर आप भाई एके चलाते हो ना तो आप भाई ब्लू जोन उतरो बिकॉज वहाँ पर आपको मैक्स लेवल अटैचमेंट मिलेगा जिससे आपकी एके ना नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल। मैं बोलूँगा भाई आप किसी गन चलाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास डबल रेट ऑफ फायर वाला एके है तो। अब यहाँ पर भाई सामने की तरफ लास्ट बंदा है, अच्छा बंदा है ठीक है, उसको भी भुइया लेना है, मुझे भी भुइया लेना है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। एक और टिप दूँ तो भाई अगर किसी बंदा भाई पीक नहीं दे रहा बहुत देर से ग्लूवल के कवर में तो भाई आप ना भाई बिल्कुल भी बाहर मत निकलो बिकॉज ऐसे बंदे ना छुपे रुस्तम होते हैं भाई, 1 टैप मारते हैं लिटरली, मतलब क्या ही बोलूँ। और भाई इस बंदे के पास M10 होती है, अभी आपको नहीं दिखेगा बिकॉज अभी मुझे भी नहीं दिखा था बट जैसे भाई ये देखो ये निकला उसके पास M10 थी बट तुम्हारे भाई के ग्रेनेड ने पूरा का पूरा काम कर दिया ये लास्ट ग्रेनेड और यहाँ पर बंदा फिनिश। तो भाई आप ना दिमाग से काम लो, अगर आप फाइट कम आती है आपको लास्ट जोन में तो ग्रेनेड मारो बिकॉज पहले ग्रेनेड से ट्राई करो फिर गन से ट्राई करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये गेम हो चुका है भैया और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते तुम्हें अगले वीडियो में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।